और ये हमको देखे डर रहे हैं भाई। ओए ये डरा रहा है क्या भाई? सामने देखो जंगली मुर्गे। ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई। और खाना खाने के लिए ना अभी हम लोग सारे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मस्त वाली धूप है। तो देखो भाई यही होता है विकास के नाम पे विनाश। पहाड़ों को ऐसे काटा जा रहा है ना। वैसे अभी मन तो है यहाँ से बाइक चलाने का, ऊपर की साइड जाएंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज मैंने सोचा था कि आज मैं जाऊंगा बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन देखो भाई दूर दूर तक बर्फ़ का कहीं नामो निशान नहीं है। वहां पर कल तक हल्की बर्फ़ थी लेकिन वो भी पिघल गई है, और अब ना काफ़ी देर भी हो गई है। तो बर्फ़ हमें मिलेगी ठीक जो ये पहाड़ है ना, तो उसके पीछे मिल सकती है, बट वहां जाते जाते ना पूरे 4-5 घंटे लग जाएंगे। तो फिलहाल अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ ना जो हमारे घर के नीचे रोड बनी है तो वहाँ चलते हैं आज देखने के लिए। और नीचे ना आज वहाँ पर मशीन भी लगी हुई है, ये देखो ये पेड़ के बीच में हल्का सा दिखाई दे रहा है। तो चलो भाई चलते हैं आज वहाँ पर। अब हम लोग निकल रहे हैं तो साथ में ना खाने के लिए कुछ माल्टे भी लेकर जा रहे हैं। अब अकेले अकेले मैं भी बोर हो जाता, तो मेरे साथ अभी अजय भी आ रहा है, तो चलो चलते हैं भाई। अभी हम लोग अपने घर से 1/2 किलोमीटर नीचे आ गए हैं, और अब जाकर ना नीचे से जो भी मशीन वहाँ पर काम कर रही होगी तो वो उसकी आवाज़ सुनाई देने लग गई है भाई। और साथ में देखो पीछे डब्बू भी आ गया। इसको मैंने घर लगाने की कोशिश की लेकिन ये जा ही नहीं रहा है भाई। यही होता है कहीं के लिए भी निकलो डब्बू हमेशा पीछे ही आ जाता है। हे डब्बू क्या है, अरे घर जाना है। अभी मानने वाला नहीं है, तो चलो डब्बू को भी अपने साथ लेके चलते हैं। भाई हम लोग रास्ता भटक गए हैं। यहाँ पर मैं बहुत पहले आया था और उस टाइम पे यहाँ पर रास्ता था, और मुझे याद ही नहीं कि उसके बाद यहाँ पर भूस्खलन हुआ था ना, तो वो रास्ता टूट गया भाई। अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। और देखो जंगल में यहाँ से यहाँ तक तो हम गए, यहाँ से आगे बिल्कुल चट्टान है, तो अब यहाँ से फिर वापस ऊपर जाना पड़ेगा भाई। भाई बड़ी मुश्किल से नीचे आए थे, अब फिर से ना ऊपर जाना पड़ेगा मेहनत करके। चलते चलते देखो भाई अभी हम लोग कैसे खंडर में पहुंच गए हैं। ये ना बहुत पहले किसी की वो थी, गौशाला थी, तो अब यहाँ पर कोई रहता है नहीं, तो भाई पूरा सब कुछ खंडर बन गया है। देखो भाई अभी इतने बुरे हाल हो गए हैं, पूरे कपड़े ख़राब हो गए हैं, ये लग गए कूड़े, मतलब जो घास फूस होते ना उस पर ऐसी चीज़ें होती है जो चिपकती है कपड़ों पर, और ये ढंग से इधर भी नहीं आती है। आज ना शॉर्टकट के चक्कर में सारा बेकार हो गया, सोचा था शॉर्टकट के चक्कर में जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जाकर हम सही वाले रास्ते पे आ रहे हैं, और यहाँ से हमारा घर वो ऊपर है भाई, वो पेड़ के पीछे देखो। शॉर्टकट के चक्कर में ना वहीं से हम सीधे नीचे आए, और यहाँ से जंगल से नीचे जा रहे थे और फंस गए वहीं पर। अब जाएंगे यहाँ से, चल चलो भाई अभी फाइनली नदी किनारे पहुँच गए हैं, और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर क्या क्या काम हो रहा है। ये देखो भाई ये है मधुगंगा जो मेरे घर से दिखती है, और मधुगंगा में आजकल देखो कितना कम पानी है। बाकी ठीक सामने देखो दो पोकलैंड लगे हुए हैं, एक ये यहाँ पर लगा हुआ है और एक ठीक उसके आगे वो वहाँ पर लगा हुआ है, दोनों काम कर रहे हैं अभी। अब जो ये मधुगंगा है ना, तो वहाँ से एक नहर बनेगी ऐसे ऐसे करके, और फिर यहाँ से आएगी वो नहर, और इसके आसपास ही कहीं पर एक मिनी पावर हाउस बनेगा, तो उससे बिजली पैदा की जाएगी, तो कुछ इस तरह का आइडिया है। और ये नदी के किनारे ये रोड बना रखी है, तो यहाँ से ट्रक आते जाते रहते हैं। बाकी यहाँ से हमारा घर देखो भाई कहाँ दिखाई दे रहा है, वो ऊपर वहाँ पर ये देखो हल्का सा दिखाई दे रहा है, तो वो है भाई हमारा घर वहाँ पर। और जो ये सड़क यहाँ से जा रही है ना, तो ये कच्ची सड़क सीधे यहाँ से आगे आगे जाकर आगे पक्की सड़क पर मिलती है, और फिर वहाँ से हमारे गाँव के लिए जाती है ऊपर। अब नीचे नदी किनारे जो रोड बनी है ना, तो उसमें ऑफ रोड करने का कितना मज़ा आएगा। तो मैंने ना अभी दोस्तों को फ़ोन किया है कि ऊपर गांव से मेरी बाइक लेकर आ जाओ,
और फिर यहीं पर ना खाने खाने का टाइम भी हो गया है, तो यहीं पर खाना बनाएंगे भाई, और खाना बनाएंगे हम मस्त नदी पार जाके। तो ये यहाँ पर एक पुरानी गौशाला है और सामने अक्की का घर भी है, तो वहाँ से बर्तन लेकर चलते हैं भाई। तो ये है भाई अक्की का नदी किनारे वाला घर। देखो भाई यहाँ से सारे बर्तन मैंने उठा दिए हैं अभी। अब पानी पीने के लिए एक लोटा भी रख देते हैं। खाली कितनी हुई? दो। और ये देखो भाई इसमें हमने इतने बर्तन रख दिए, प्रेशर कुकर रख दिया, थाली रख दी है, लगभग खाने का सारा सामान हमने रख दिया है। अब चलते हैं भाई नीचे। देखो भाई मेरी बाइक भी आ गई है और उसमें आ रहे हैं, और एक और आ गई भाई पीछे से, देखो उसमें आ रहा है अक्खी, अंशु और ऋतिक। यहाँ पर लोग रहते हैं ना, तो उनके यहाँ पर गाय भैंसे हैं जो अभी जंगल की तरफ जा रही हैं, और ये हमको देख कर डर रहे हैं भाई। ये देखो ओए ये डरा रहा है क्या? तेरे को भाई ये मारने के लिए आ रहा है वो तेरी। ये देखो ना ऐसे चौंके हुए हैं क्योंकि इन्होंने ज़्यादा आदमी तो देखे नहीं होंगे यहाँ पर, और ये आज डर गए भाई। देखो भाई सारे कैसे देख रहे हैं, भागो यहाँ से। अब मेरे पास में जो ये नदी बह रही है ना, तो पहले नदी का पूरा पानी यहीं पर था, अब देखो जब जेसमी ने उधर की साइड लगाया यहाँ पर बहुत कम पानी रह गया है। तो ये है भाई हमारी लोकेशन जहाँ पर हम खाना बनाएंगे। ओ भाई स्पीकर भी है भाई। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया ठीक ठाक। अब देखो भाई ये लोग तो हमसे पहले ही यहाँ पर पहुँच गए हैं, अब फटाफट यहाँ पर लकड़ी लुकड़ी लाते हैं, खाना बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और मैं घर से ना संतरे लेके आए थे माल्टे, 8-10 ला रखे हैं भाई, हम हैं 5 लोग तो 2-2 सबके लिए हैं। अब देखो भाई जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है ना, देखो क्या प्यारी लोकेशन है, पास में नदी है, सामने बर्फ के पहाड़ हैं, वाह। अब जब तक यहाँ पर खाना बनता है तब तक नीचे चलते हैं नदी किनारे, और वहाँ पर ना मेरी बाइक भी आ रखी है भाई, ये अक्की लेकर आया है, तो ऑफ रोड करते हैं थोड़ी देर। तो ये देखो भाई ये है अपनी बाइक यहाँ पर, और ऐसी कुछ रोड है यहाँ पर, ये देखो यहाँ से ठीक आगे तक। वैसे अभी मन तो है यहाँ से बाइक चलाने का, ऊपर की साइड जाएंगे, बट तब तक ना खाना बन जाएगा, तो खाना खाते हैं एक बार और उसके बाद चलते हैं भाई। अब हम लोगों ने खाना वहाँ पर बनाया है, तो वहाँ की धूप तो चले गई है, और खाना खाने के लिए ना अभी हम लोग सारे यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर मस्त वाली धूप है, तो फटाफट अब खाना खा लेते हैं भाई, भूख बहुत ज़्यादा लग गई है। और ये देखो संतरे भी काट दिए भाई। अब खाना हमारा हो गया है, और जो बर्तन थे हमने साफ कर दिए, अब हम लेकर आए थे अंशु और अक्की, इनको लेकर जाएंगे भाई। अब रात को तो चांद सभी ने देखा होगा, मैं आपको दिन को चांद दिखाता हूँ, वो वहाँ पर देखो भाई चांद भी दिखाई दे रहा है, और क्या मस्त मौसम है। हे हेलो हेलो हेलो। और यहाँ पर देखो भाई एक तालाब भी है, मतलब यहाँ पे नहा सकते हैं वैसे, मतलब ज़्यादा गहरा नहीं है पानी यहाँ पर। और अगर गर्मियों की बात होती ना तो यहाँ पर हम मस्त नहाते अभी, लेकिन आजकल सर्दियों में तो कौन नहाएगा भाई यहाँ पे, वैसे भी नदी का पानी इतना ठंडा रहता है, इतना ठंडा रहता है, सीधे ऊपर ग्लेशियर से आता है ये वाला पानी। भाई मजा आ रहा है ऐसी ऑफ रोड करने में ना, देखो खाली पत्थर ही है, बाकी ऋतिक फर्स्ट टाइम ऑफ रोड कर रहा है भाई, अभी नया नया बाइक सीखा है ना, कैसा लग रहा है? मस्त, आराम से आना भाई, क्योंकि नीचे ना बड़े बड़े गोल गोल पत्थर हैं और रेत भी है, तो इसमें ना बाइक फिसल सकती है। बाकी यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे हम, और सामने देखो भाई वहाँ पर लगी है मशीनें, यहीं पर लगा दे बस। तो देखो भाई लास्ट यहीं तक रोड है, तो देखो भाई चट्टानों को ना नीचे से ऐसे काटा जा रहा है, जो इनका बेस है वही काटा जा रहा है, खोखला किया जा रहा है, तो ऐसे में ना इन फ्यूचर जो ऊपर से ये चट्टान है ये नीचे की तरफ खिसक सकती है भाई। तो देखो भाई यही होता है विकास के नाम पे विनाश, पहाड़ों को ऐसे काटा जा रहा है ना,
ये देखो हर जगह पहाड़ नीचे से काटे जा रहे हैं, यहाँ देखो यहाँ देखो। और अगर यहाँ तक नहर जाती है ना, तो ये इस पहाड़ के ठीक ऊपर वहाँ हमारा घर है भाई। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी थोड़ा खतरा बन सकता है अगर यहाँ पर भी पहाड़ काटे जाते हैं तो। अब ये लोग बाइक से जाएंगे और हम लोग जाएंगे पैदल जहाँ से हम आए थे वहीं से। ठीक है ब्रो, ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, फिर आराम से जाए रे। अब वो लोग तो निकल गए हैं अभी घर के लिए बाइक से, और हम लोग भी बाइक से जा सकते थे, बट हमें तो ऊपर गांव में नहीं जाना है ना, हमारा घर यहाँ ही ऊपर में है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है बस। तो फिर गाँव में जाके कोई फ़ायदा नहीं, गाँव में फिर वहाँ से नीचे आओ, तो इसलिए हमने सोचा हम यहीं से पैदल जाएंगे आराम आराम से। बाकी यार काफ़ी टाइम के बाद ना ऐसे पिकनिक पर आए हम, लगभग 1-1.5 महीना हो गया था। तो मज़ा आता है भाई ऐसे जंगल में ना दोस्तों के साथ जब खाना बनाते, तो बहुत मज़ा आता है। अभी शाम के 5 बज गए हैं और देखो भाई यहाँ की धूप चले गई है। अब धूप सिर्फ सामने जो पहाड़ है ना उनके ऊपर ऊपर ही है, बाकी आधे रास्ते में हम आ गए हैं। यहाँ से हमारा घर अभी भी 1 किलोमीटर ऊपर है। बाकी आज मैं नीचे नदी किनारे आया था, वहाँ पर जो काम चल रहा है ना, तो उस परियोजना के बारे में थोड़ा जानकारी जुटाना चाह रहा था कि किस उद्देश्य से वहाँ पर काम चल रहा है। बाकी वहाँ पर सिर्फ काम करने वाले थे, कोई भी बड़ा कर्मचारी या अधिकारी नहीं था। एक गाड़ी आई थी और वो तुरंत ही निकल गई भाई, किसी को पूछने के लिए भी नहीं हुआ। तो भाई ये बात है, बाकी चलते हैं अब घर। भाई सामने देखो जंगली मुर्गे, ओ भाई साहब, ओ भाई 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 भाई, ये क्या कर रहे हैं भाई खेतों में, ये देखो यहाँ से नीचे भाग गए। सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे ना बहुत सारे जंगली मुर्गे दिखाई देते हैं घर के आसपास, और आजकल देखो खेतों में ना ये सरसों उग रखा है, तो इसको खाने के लिए आते हैं भाई वो। चलो भाई अभी घर में पहुँच गए हैं, और घर में पहुँचते पहुँचते पूरी देखो धूप भी चली गई है। अब वहाँ से ना नीचे नदी किनारे से घर तक पहुँचने में हमें आधा घंटा भी नहीं लगा भाई, जबकि आराम आराम से ही आए। और भाई हम पता कहाँ पर गए थे, ठीक सामने पे वहाँ पर हमने खाना बनाया, वहाँ पे देखो पानी हल्का सा है वहाँ पे, और ये रोड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से होकर हम लोग आए हैं, यहाँ पर आए थे। तो वो जो मशीनें लगी थी ना काम पर, वो यहाँ पर लगी हुई थी यहाँ। अभी पूरा अंधेरा भी हो गया है, और फिलहाल अभी मैं पी रहा हूँ गर्मा गर्म चाय, और इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पेंट करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।